अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब अल्लाह ताला के फजलो करम से ठीक ठाक होंगे, खुश बाश होंगे। तो आप सब दोस्तों का रमज़ान अच्छा गुजरा होगा जी। तो आप सब दोस्तों को मेरी तरफ से ईद मुबारक। तो अभी मैं जाऊंगा जी ईद की नमाज अदा करने के लिए, तो उसके बाद फिर सारे दिन की जो रूटीन होगी जी मेरी ईद की, तो आप सब दोस्तों के साथ शेयर करूँगा। وسبحان الله بكرة وأصيلا أحمده على نعمه الجليلة. My dear brothers and sisters, my dear brothers, in this ayah there are three things pertaining to the end of Ramadan. The first thing Allah Azza wa Jalla command us to complete the iddah of the month, to complete the full month of Ramadan. तो हाँ जी दोस्तों, ईद की नमाज अदा कर ली है जी, तो अभी बाकी जो रूटीन होगी जी डे की आपके साथ शेयर करूँगा। देखें जी, हम यहाँ पे केटरिंग में लेने के लिए आए हैं जी खाना। तो कितना लंबा क्यू लगा हुआ है जी यहाँ पे। तो देखें जी क्यू कितना ज़्यादा हो गया जी लंबा। ये सारे खाने के लिए वेट कर रहे हैं केटरिंग में। उधरा जलना तो ठीक नहीं सुधरू। तो ये देखें जी ईद की नमाज के लिए क्यों लगा हुआ है जी, वेट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा बंदे जो है ना एक टाइम पे ईद नहीं, ईद की नमाज अदा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गैप छोड़ना पड़ता है। इस वजह से देखें जी क्यों कितना ज़्यादा है यहाँ पे। तो बड़ा लम्बा क्यों जा रहा है जी, ये देखें इधर तक क्यों क्यों पहुंच गया है। तो हाँ जी दोस्तों, मैं इन लोग के घर आ गया हूँ जी, ईद सेलिब्रेट आज करनी है जी यहाँ पे इन लोग के घर। तो ये थोड़ी सी मेरी जॉब लग गई है जी, थोड़ा सा टेबल की सेटिंग की, तो मैंने कहा जी चलो मैं टेबल की सेटिंग भी कर लेता हूँ, तो आप दोस्तों के साथ भी शेयर करता हूँ कि किस तरह करता हूँ। ये टिशू के साथ थोड़ा सा है गिलास में सजाने के लिए, तो बना रहा हूँ। ये देखें जी मैं ऐसे डाल रहा हूँ। तो टेबल की तो सेटिंग मैंने कर ली है जी, तो अभी वेट हो रहा है जी खाने का। तो इंशाल्लाह जी खाना भी बनाएंगे, तो वो भी आप सब दोस्तों के साथ शेयर करूंगा जी मैं, जब मैं खाना वगैरह जाऊंगा यहाँ पर। तो अगर जॉब करनी है जी तो पूरी जॉब करनी है जी, तो पूरी जॉब करके खाना पीना सारा लगा कर रेडी करके फिर मेहमानों को यहाँ पे मैं बैठाऊंगा। दोस्तों जी खाना हो गया है रेडी, तो अभी मैं टेबल पे सारा खाना रखने लगा हूँ जी। तो खाने का टाइम भी हो गया अभी। ये है जी हलवा, तो ये है जी मीठे चावल जर्दा, तो ये है जी माशाल्लाह गजरेला जी, टेस्टी गजरेला भी है। तो खाना मैंने सारा रख लिया जी टेबल पे, तो अभी इंतज़ार है जी मेहमानों का जी कि आके बैठ के खाएंगे यहाँ पे। तो खाना बड़ा मज़ेदार है जी, सामने इतना अच्छा खाना हो तो फिर भूख अगर लगी हो तो प्लेट भर के इस तरह खा लेते हैं। कह रहा है ईद का हमको तोहफा मिला है।
चढ़ के।